अब आपने ये बाइक देखी है, क्या आपको अपनी बाइक अच्छी लग रही है? हाँ, मेरे चेहरे को देखो, लगो देखो, मुझे अच्छी लग रही होगी ये। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। और मुझे भी नहीं अच्छी लग रही यार। ऐसा तो कोई दोस्त नहीं, आज क्रिकेट खेलेंगे तो विराट कोहली को कहेंगे। विराट कोहली से ये बाइक लोगे? हाँ इंशाल्लाह। मैं इंडिया वालों आ रहा हूँ अपनी बाइक पर बैठ कर, इसी बाइक पर आप लोगों से मैं बाइक लेकर जाऊँगा। सर, बाइकों का तो आपको पता ही होगा, पाकिस्तान में बाइक सीखी क्या क्वालिटी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। हाँ, ये मैंने रखी हुई है 70cc, 80-90 हज़ार रुपये की मैंने ली थी। अच्छा, खुश हैं आप इससे? हाँ खुश हूँ। चले मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ, देखते हैं आपको कैसी लगती है, और देखते हैं आप बाद में आपको ये पसंद आती है कि नहीं आती आपकी अपनी बाइक। ये देखे पकड़ ले। ओए 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 ओए, इतनी अच्छी गाड़ी, और क्या लाइट है और क्या इसका कलर है, माशाल्लाह प्यारी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बाइक। पाकिस्तान की तो नहीं लगी? पाकिस्तान में नहीं है ये। सर ये है भी होंडा की, पाकिस्तान में भी होंडा की बाइकें बड़ी चलती हैं। ओ ना कर यार। नहीं, पाकिस्तान में और इसमें फ़र्क है, और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान की जो सी सीडी है वो उसमें तो सिर्फ स्टिकर चेंज होते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और एडिशन कोई आती नहीं है। लुक्स कैसी लग रही है आपको? लुक्स माशाल्लाह अच्छी है। हम 1,10,000 रुपये सिर्फ स्टिकर चेंज करने का हर साल भरते हैं। और 125 कितने का है? 125 1,75,000-75,000। सर वो 2 लाख टप गया हुआ है। वाह यार, है बड़ी ज़बरदस्त बाइक है ये। ऑटोमेटिक है जी, सेल्फ स्टार्ट है। और चेक करें लुक कैसी लग रही है। बड़ी शानदार, ये होंडा की है मेरे ख्याल है। हाँ जी, होंडा जापान ने बनाई होगी। आला सर, आपके लिहाज से ये जापान ने बनाई है? मेरे लिहाज से, क्योंकि होंडा जो है वो जापान की कंपनी है, तो अगर ये सिंबल कहीं भी हुई हो, लेकिन डिज़ाइनिंग तो मेरे ख्याल जापान में बनी होगी इसकी। सर पाकिस्तान में इसके लेवल की कौन सी बाइक है? पाकिस्तान में इसके लेवल की बाइक जो है वो फ़िलहाल मुझे तो नज़र नहीं आती जो पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होंडा 125 है जी। क्या प्राइस रहेगा उसका? उसका कोई 1,80,000 समथिंग है। वाह 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 वाह, होगी इसमें इसकी कोई कीमत 15-16 लाख के करीब। यार कैसी गाड़ी रखी है यार, मज़ा है देख के। मज़ा क्या, दिल काट डाला इसने तो। अगर ये इंडिया में आप 15-16 की कह रहे हैं, पाकिस्तान में कितने की होगी? पाकिस्तान में ये होगी एक ही गाड़ी कोई, पाकिस्तान में कोई 25-30 लाख रुपए की गाड़ी। यार कैसी गाड़ी है यार, देखो इसका इंजन देखो यार, क्या इसकी ये बाइक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओह नाइस, ये बहुत आला है यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है ये। सर ये होंडा वालों की बाइक है। वाओ नाइस, बहुत अच्छी लग रही है यार। लुक्स कैसी है इसकी? वेरी नाइस यार, बहुत पसंद आई है यार। प्यारी बनाई हुई है उन लोगों ने। क्या बात है यार, कौन से मुल्क की लगती है? ये कोई यूरोपियन कंट्री की होगी, लाइक अमरीका वगैरह, मलेशिया वगैरह, यहाँ वहाँ से होगी। पाकिस्तान में नहीं हो सकती है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर ये पाकिस्तान में हो, क्या प्राइस होगी इसकी? 15-16 लाख तक तो होगी। अच्छा सर, ये अगर आपको सिर्फ 2.5 लाख में मिले तो क्या बात है यार, लाएं आप दें। मसला है ना। हाँ जी, 2.5 लाख में क्या बात है यार, ये बाइक 2.5 लाख में? हाँ जी। नहीं ये नहीं हो सकती यार। क्यों नहीं हो सकती यार? ये इतनी, मैं कहता हूँ कि आजकल तो 125 2.5 लाख की मिलती है, तो ये कहाँ 2.5 लाख की होगी। ये कम अज़ कम भी, अगर कम अज़ कम भी होगी तो ये 8-9 लाख की मिलेगी यार। सर ये वाकई में 2.5 लाख रुपए की मिलेगी, पर एक मसला है। क्या? ये इंडिया में 2.5 लाख रुपए की। तो इधर कितने की है? सर इधर तो पाकिस्तान में आपने बताया कितनी महंगी, पाकिस्तान में तो ऐसी बाइक मैंने देखी है, आपने पहले कभी देखी है बाइक? नहीं नहीं नहीं, अगर मंगवानी चाहे तो वहाँ से कितने की मिलेगी तकरीबन? सर वहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपको कि वहाँ पे कि दोस्त यार है उसे कह दो आपको गिफ्ट कर दे। यार ऐसा तो कोई दोस्त नहीं, क्रिकेट खेलेंगे तो विराट कोहली को कहेंगे। विराट कोहली से ये बाइक लोगे? हाँ इंशाल्लाह। यार क्या कमाल गाड़ी है यार, पाकिस्तान में ऐसी बाइकें क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में ऐसी बाइकें इस वजह से नहीं आ रही कि हम लोगों की अपनी खुद लोगों की जो है ना सिस्टम, हाँ वो नहीं चला सकते हैं इन चीज़ों को। अच्छा भाई ये है अभी एक चीज़, अभी बाहर के मुल्क से हम लोग ख़रीदते हैं, अभी वहाँ से हम लोग लेकर अपने मुल्क में आते हैं, वहाँ पे इतनी कीमत उसकी पहले से होती है। ये जो टैक्स लगा दें हम लोगों को वापसी, तकरीबन कोई 1 लाख रुपए की चीज़ हो तो कम से कम 1,30,000 रुपये तो टैक्स आ जाता है यहाँ पे।
जब वहाँ से यहाँ तक ये चीज़ आती है तो ये तकरीबन 30-35 लाख रुपए की होती है। जब बंदा मन करता है भाई यार 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने चलाता है, तो इसकी तकरीबन कोई आधे से आधे रिचार्ज गिर जाते हैं, क्योंकि आधे पैसे तो हम लोग हुकूमत को पहले ही दे चुके होते हैं। अब आपने ये बाइक देखी है, क्या आपको अपनी बाइक अच्छी लग रही है? अब मेरे चेहरे को देखो, लगो देखो, मुझे अच्छी लग रही होगी ये। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं अच्छी लग रही। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में ये बाइक कब तक आ जाएगी यार? सर ये होंडा, आपकी भी होंडा की बाइक है मुझे नज़र आ रहा है, होंडा की बाइक है, होंडा यहाँ पे हमें कैसी बाइक्स बना के दे रहा है और इंडिया में कितनी अच्छी बना के दे रहा है? ये तो गलत कर रहा है फिर। अगर हमें ऐसी गाड़ी बना के देता है तो फिर वहाँ पे तो ऐसी ही होनी चाहिए। अगर ये, अगर इतनी आपने अच्छी गाड़ी दी गई, अगर ये वहाँ पर है तो हक बनता है ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अगर यही बाइक पाकिस्तान में तो हमें कितने की मिलेगी मैक्स? ये जो बाइक अभी आप दिखाई है आपने? हाँ जी। ये कम से कम भी कोई 5-5.5 लाख की तो होगी। अच्छा सर, ये बाइक एक्चुअली में इंडियन बाइक है, होंडा इंडिया में ऐसी बाइकें बना रहे हैं और ये वहाँ पर सिर्फ 2.5 लाख रुपये की है। ज़बरदस्त। लेकिन अगर वहाँ के 2.5 लाख को आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की करेंसी के साथ, क्योंकि कल ही मैं टीवी पे ऐड देख रहा था तो वो एक साबुन या सर्फ टाइप की चीज़, बॉडी लोशन टाइप की चीज़ वो दिखा रहे थे कि 20-25 रुपए में, जो अगर यहाँ पर हो तो मेरे ख्याल है 150-200 रुपए की हो, तो वो करेंसी का ज़ाहिर है फ़र्क है, उसकी वजह से रेट का डिफरेंस ज़ाहिर होगा, इतना तो होगा। सर वहाँ पर पावरिटी रेट भी कम है ना, वहाँ पर आमदनी के ज़रिए भी ज़्यादा है, इसलिए उनको पता नहीं लगता। अगर यहाँ पर भी हमारे पास देखें, हमारी आधी से ज़्यादा यूथ फ्री घूम रही है और हमें ऐसी बाइकें, हमारे बचपन से लेके अभी तक हमें एक ही होंडा 70 और 125 चला रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या रीज़न है? देखें, इसका रीज़न जो है वो एक ही है, किसी भी कंट्री की खुशहाली बदहाली का जो है वो ज़िम्मेदार रियासत होती है, ठीक है। इसमें रियासत का कसूर होता है कि रियासत रोज़गार के मौके फराहम करे, मुहैया करे, क्योंकि यहाँ तो देखें ना कि जो अच्छा तालीम याफ्ता या कोई स्किल्स वाला बंदा होता है तो वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाके काम करे, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि मुझे कुछ मिलना नहीं है। इवन कि अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है एक डांस की, तो वो सुना है उन्होंने मोहतरमा को बड़े प्राइजेज मिले हैं और बड़ी उनको जना मॉर्निंग शोज़ वगैरह में ऑफ़र्स हो रही हैं, तो यहाँ पर तो मतलब इस तरह का ट्रेंड है, यहाँ पर जो वो क्रिएटिव माइंड लोग हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है रियासत होती है कि अब रोज़गार के अगर यहाँ पे मौके हों और यहाँ पर हम जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हम यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ें तो हमारी इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। जब इकॉनमी अच्छी होगी, रेवेन्यू होगा हमारे स्टेट बैंक में, हमारे यानी कि कौमी ख़जाने में, तो जाहिर है फिर वो आवाम पे खर्च होगा। तो अभी जो हालात हैं, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 10 साल भी लगा लें या 15 साल भी लगा लें तो अभी तो नहीं, अभी हम ऐसी बाइक्स नहीं यूज़ कर सकते, अभी तो बस यही भी ना ख़त्म हो जाए, मुझे तो ये लग रहा है साइकिलों पे ना आ जाए, साइकिलों पे आ जाएंगे, साइकिलों पे आने वाला हाल हो गया बस। आवाम को गुर्बत इतनी आ गई, महंगाई इतनी हो गई है कि बस महंगाई मुल्क का जो हाल हुआ पड़ा है, बिल्कुल हम बस डिफॉल्ट होने वाले हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ना करे। सर देखिए, पाकिस्तान इंडिया आपको पता ही होगा, जिस तरह से आप एजुकेशन ले रहे हो, बहुत सारे आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, और रही बात हम पाकिस्तान इंडिया के साथ आज़ाद हुए थे, व्हाई दे आर ग्रोइंग? बस उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा, एजुकेशन सिस्टम उनका हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उनको ज़्यादा है। हाँ, बहुत इसी चीज़ की, वो उन्होंने अपने आप को, हम इधर ही रह गए हैं, हुकूमत ये हुकूमत वो हुकूमत ऐसे, फिर इसी चीज़ों में हम निकल गए, वो ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी, वो जो उनकी आबादी एक तो ज़्यादा है, उनका भी उन्होंने वो नहीं किया, तो उनके पास फिर बिजनेस ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आपने कभी अमूमन इंडियन, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है इंडिया कभी गया नहीं हूँ, तो फिल्म्स वगैरह में ही टीवी पे ही देखते हैं, तो आपने कभी गौर किया होगा कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर से ले के कोई आम जो है वो कई सरकारी अफसर तक, वो अपने मुल्क की बनी हुई, इंडिया की बनी हुई मारुति कार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो मतलब उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को कितना क्या कहते हैं उसको, के उसको कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं उसको, कितना वो प्रमोट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई छोटा मोटा सरकारी अफसर भी हो तो वो भाई लैंड क्रूज़र और रेंज रोवर इस्तेमाल करता है, तो ये सारे मामले आते हैं, ज़ाहिर है वो हर चीज़ को अपनी इसी तरह प्रमोट करते हैं, वो अपना कोई भी ऐड हो उसमें मेड इन इंडिया को वो ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा तो ये है कि अगर किसी ने इम्पोर्टेड शूज़ या इम्पोर्टेड जैकेट पहन ली तो वो जनाब सबको, दोस्तों को, अपनी
तमाम जो उसकी सोसाइटी है उसमें कहता फिरता है जी मैंने तो ये इम्पोर्टेड चीज़ पहनी हुई है, लेकिन वो बेसिकली मेड इन इंडिया पहन के, मेड इन इंडिया इस्तेमाल करके वो ज़्यादा बेहतर प्राउड फील करते हैं। और यही चीज़ होती है, यही तरीका होता है कि अब आप देखेंगे अगर ये हमारा मैसेज जब दूसरी कंट्रीज़ में जाता है, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा लें हमारा टेक्सटाइल के शोबे में हम बहुत स्ट्रांग थे, ये स्पोर्ट्स के सामान में हम बहुत स्ट्रांग थे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही बात है कि वो हमारी मतलब वो एक सियासी बात हो जाएगी, मकसद ये कि हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारी नाहली की वजह से वो सारी चीज़ें उसमें हमने लॉस किया, वो अब हमसे जो है ना बांग्लादेश और इंडिया आगे चले गए। यार ये आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये बाइक पे, हमारे पास तो बस यहाँ पे 70 है या रोड प्रिंस है, इस तरह की बाइक तो नहीं मिल रही हमें।